तस्वीरें देखिए, ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र की हैं, जहां गुरुवार को सरकारी भूमि पर बने अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने को लेकर बवाल हो गया। बवाल इतना बड़ा कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के ऊपर जमकर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके गए। वहीं हालात बेकाबू होते देख गोली चलाने तक के आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जब नगर परिषद की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त करने पहुंची थी। नगर निगम और प्रशासन की टीम जैसे ही अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। धीरे धीरे ये हमला हिंसा में बदल गई। चारों तरफ आगजनी और सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े मिले। यही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने थाने को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं इस हिंसा में 2 लोगों की दर्दनाक मौत और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें तकरीबन 100 पुलिसकर्मी और कुछ मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। जबकि हिंसा के बाद से ही पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। जिस क्षेत्र में यह हिंसा फैली वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। फिलहाल कर्फ्यू लगाने के बाद जिले में 12वीं तक की सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और हिंसा फैलाने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।